मथुरा वृंदावन नगर निगम की विद्युत व्यवस्था लखनऊ एवं दिल्ली की तर्ज की जाए। मथुरा में 8 अप्रैल को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की बैठक ली, जिसमें विद्युत विभाग के निदेशक एस के गुप्ता तथा बीएम शर्मा के साथ विभिन्न सुझावों पर चर्चा की। निदेशक एस के गुप्ता ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में लखनऊ एवं दिल्ली की तर्ज पर विद्युत व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जाए, विद्युत से संबंधित व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाया जा सके। मथुरा से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। खासकर की एमडी दक्षिणांचल साहब के जो कार्यालय से डायरेक्टर कमर्शियल, डायरेक्टर टेक्निकल, जनपद के सभी विद्युत के अधिकारीगण, हमारे वीसी साहब, नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम, इन सभी पीडब्ल्यूडी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, इन सभी अधिकारियों के साथ एक समन्वय बैठक की गई और विद्युत संबंधी जो भी समस्याएं हैं जिले की, चाहे वो नेटवर्क को सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित हो, उस संबंध में चर्चा की गई और जो जो सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरीके से सैंक्शन किए जाने हैं, इस संबंध में कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त जो एस्थेटिकली मथुरा शहर को एक सुंदर बनाया जाए, तारों का जंजाल जगह जगह चौराहों पर, गलियों में दिखाई देता है, मुख्य बाज़ारों में दिखाई देता है, उन सभी को अंडरग्राउंड करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ विभिन्न जो ट्रांसफार्मर्स हैं उन्हें कॉम्पैक्ट ट्रांसफार्मर्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए। यदि आवश्यकता है तो कहीं पर उन्हें उनको ऊपर उठाने की आवश्यकता है तो वो किया जाए। विभिन्न सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह है उसके संबंध में भी चर्चा की गई। तो विभिन्न डेवलपमेंटल वर्क्स जो विद्युत विभाग से संबंधित हैं, स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित हैं, तारों के जीर्णोद्धार से संबंधित हैं, उन सभी के ऊपर जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स हैं उनके संबंध में चर्चा की गई और मथुरा में किस तरीके से इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में प्लान फाइनलाइज किए गए।